अब हम है जोगेश्वरी वेस्ट स्थित रेहान टेरेस बिल्डिंग के पास, जहां बीती रात 10वें माले से एक स्लैब का टुकड़ा गिर जाता है जो कि साई कृपा चाल है। और यहां पर रहने वाले एक बच्चा और उसकी माँ जो कि दोनों सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों से, जो कि आप देख सकते हो साफ तौर से यहाँ की लाइट चली गई है, लोग अंधेरे में रह रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी हाल बीती। मैडम, क्या था पूरा हादसा और क्या थी वजह, आप बताइए ज़रा। रात को 2:15 बज रहे थे, रात के टाइम पे हम लोग लेटे हुए थे, फटाक से ऐसा जोर से ऐसी आवाज़ आई। हम लोग बोले क्या हुआ, देखे तो हमारा बाबा ऊपर गया, देखने के साथ में वो स्लैब गिरा तो हमारा बाबा छड्डी से ऊपर से नीचे डाई मार दिया तो उसको साइड में लग गया। फिर हम लोग दरवाज़ा खोल के बाहर आए तो अंदर से चिकनी की आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग जोर जोर से दरवाज़ा ठोके, खोल खोल खोल, खोलने के साथ में वो बच्चा निकला। तो बच्चे को हम लोगों ने उठा के बाहर लेके आए, वो बच्चे के हाथ में से पूरा खून जा रहा था, ये पूरा उसका हाथ का हिस्सा जो है वो पूरा ऐसा लटक रहा था। फिर उसको ऊपर लेके हम लोग ने भेज दिए, थोड़े आधे जन गए और आधे जन हम लोग ने अब पुलिस लोग को बुलाए फ़ोन करके। लेकिन यहाँ पर जो बिल्डर है, चूनावाला बिल्डर का नाम आ रहा है इसमें, फारूक चूनावाला का, तो उनकी तरफ से क्या आप लोग को स्टेटमेंट आया? नहीं नहीं, अभी रात से तो अभी तक तो कुछ नहीं आया, अभी तक कुछ बोले भी नहीं, करे भी नहीं। तो थोड़ा जो उनके आदमी लोग है, थोड़ा जो XYZ थोड़ा बैठ जाएंगे तो बोलते हैं, तो थोड़ा शाम को मैंने थोड़ा चिल्लाए कि रात को 2:30 बजे से हम लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन कोई भी एक भी इंसान आके हमको पूछा नहीं आप क्या खाए, क्या नहीं खाए, आपके क्या है। अभी शाम को मेरे घर धुआं निकल रहा था, हम लोगों ने मेन स्विच वगैरह सब बंद कर दी, कोई नहीं। तो किसी ने जाके शायद बोला होगा सेठ को, तो सेठ फ़ोन किए थे हमको, ने उनके बंदे से फ़ोन करवाए, बोले क्या हुआ। तो मैं बोले 2:30 बजे से 2:15 बजे से हम लोग बाहर है, आप अभी मेरे को पूछ रहे ऐसा वगैरह सब बोले, तो अक्का मैं आता हूँ ऐसा करके बोले बस। आइए बात करते हैं एक और स्थानिक से जिनको खुद लगा है कंधे के ऊपर। सर बोलिए, आपका क्या कहना है? सर रात को लगभग 2:15 बजे जैसे मैं अपने माले पर फंस गया, तो अचानक एकाएक बहुत जोर से आवाज़ आई धड़ाम करके, और डायरेक्ट पिलर मेरे ये लेफ्ट हैंड साइड पे लगा। वो तो लकीली मैं ज़्यादा आगे नहीं गया था, वरना बहुत गहरी चोट आ जाती, क्योंकि आप देख रहे हो कि उसकी स्लैब की मोटाई लगभग 10-10, 9-9 इंच की है, और वो पूरा के पूरा पिलर गिर गया है। फिर मुझे लगा शायद ये मेरे ही घर में हुआ है, तो मैं बाहर आया, बाहर आके देखा तो सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, मेरे पड़ोस के टोटल 5 रूम में ये हुआ है। तो जिसमें मेरे पड़ोसी जो है रेशमा खान करके लेडी है, उनके पैर पे लगा है, और उनके बेटे को, उसका नाम है इरशाद खान, उसकी एकदम मेजर इंजरी हुई है। अभी उसका पूरा बोन वगैरह पूरा टूट गया, उसके 3 ऑपरेशन है, वो ऑलरेडी अभी कूपर हॉस्पिटल में है। फिर मैंने ताबड़तोड़ 100 डायल किया हमारे पुलिस सेंटर में, फिर अपने अम्बोली पुलिस चौकी से साहब लोग आए रात को, उन लोग ने सारा कुछ वाक्या देखा किया। फिर सुबह हम लोग अपना कूपर हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ पर भी सारा कुछ हमने मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कराना है कराए है, और फिर हम डायरेक्ट अम्बोली चौकी गए। तो क्या अम्बोली चौकी ने आपकी FIR लिया, कंप्लेंट लिया? सर अम्बोली चौकी ने हमारा स्टेटमेंट वगैरह लिया है, और उन्होंने हमको ये बोला है कि FIR की कॉपी आपको तब मिलेगी जब हम पूरी तरीके से मतलब छानबीन करने की बात करेंगे। तो उन्होंने सुबह आए दो ऑफिसर और उन्होंने पंचनामा किया, इधर इसके 3rd फ्लोर पर गए, फिर जो 10वें फ्लोर पर गिरा हुआ स्लैब वहाँ पर गए, और 10वें फ्लोर पे तो हम गए, लेकिन जो 8वें फ्लोर पे है उनके गैलरी में भी वो बड़ा सा स्लैब गिरा हुआ था, तो उन्होंने वो भी देखा। फिर वहाँ से एकाएक ये बात सब जगह फैल गई, तो हमारे के वेस्ट में से विजय पाटिल सर जो अपने वार्ड के लगते हैं वो यहाँ पर आए, उनके सुरवे सर यहाँ पर आए, उन्होंने ये सब देखा, और उन्होंने ही यहाँ पर बोला कि ये इलीगल हो रहा है, क्योंकि लोगों की सेफ्टी पहली देखी जाती है। नहीं, जिस तरह से हमको भी पता चला है कि बिल्डर द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कि आप लोग को शिफ्टिंग किधर और देंगे कुछ दिन के लिए, जब तक ये इधर काम नहीं हो जाता। नहीं सर, अभी ऐसा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को शिफ्टिंग नहीं दिया, किसी को शिफ्टिंग नहीं दिया, रेंट देकर उन्होंने भेजा हुआ है, और जो स्ट्रक्चर इन्होंने तोड़ दिया है उसी स्ट्रक्चर को टेम्पररी बना के बोलते इसमें रहो आप लोग शिफ्टिंग। अभी ये इतना बड़ा मैटर हो गया सर, तो वो डायरेक्ट नहीं, लेकिन उनके बंदे ये बोलते कि तुम 3-4 दिन के लिए कहीं शिफ्ट हो जाओ, हम सब कर देते, आप वापस आके यहाँ रहो। यानी ये हादसा होने के बाद? हाँ, हादसा होने के बाद बोल रहे हो, इसके पहले इनका कुछ भी नहीं था, ये बोल रहे थे कि आपको यहाँ रहना है रहो, क्योंकि ये बेल्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा जो भी काम है आगे है, डायरेक्ट बिल्डिंग बन जाएगा, मैं तुमको डायरेक्ट रखूँगा करके, इस तरीके के उसका बोलना है। लेकिन जिस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है, ये रीडेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रोजेक्ट हुआ था शायद आपका और बिल्डर के बीच में? सर ऐसा है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये गया हुआ SRA में सर,
और SRA में जैसे कि स्टेप बाय स्टेप बिल्डर्स लोग को परमिशन लेना होता है, तो उन्होंने अपना सारा कुछ परमिशन ले लिया है। तो अभी ऐसा है सर कि वो बहुत आराम से और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनके हिसाब से चल रहे हैं और यूनिटी नहीं रखे हुए हैं और सारा कुछ, वो लोग किसी तरीके की हेल्प नहीं है सर, ऐसा है। आइए दिखाते हैं आपको मलबा जो अभी भी यहाँ पर पड़ा है, आपको लेके चलते हैं सामने वाले रूम में जहाँ पर बीती रात बच्चे के ऊपर वो पूरा अखा पत्थर का एक अखा स्लैब गिर गया। देखिए पूरे रूम की हालत आप देख सकते हैं कि पूरा सामान तितर बितर, ऊपर छपरा भी पूरा टूट गया है। छपरे ऊपर छपरे पे बता दीजिए ना, ऊपर पर देखिए, यानी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़ोरदार ये हादसा था, इसकी मौत भी हो सकती थी इसमें। अब इस स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं, हम यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक यहाँ के MLA उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ आए और इन लोगों की बात सम